करना है स्पेसिफाई एक पॉइंट मेट है और दूसरा है एक्सेल सीट को इंपोर्ट कर और पॉइंट को ड्रा कर। मैंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल फिर स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो में, इस वीडियो में आप लोग पॉइंट्स को ऑफ अकेडमी कैसे ड्रा करते हैं। भी दो तरह से ऑफ अकेडमी पॉइंट्स को ड्रा किया जाता है। पहला है स्पेसिफाई ए कोऑर्डिनेट और दूसरा है इंपोर्ट डाटा और कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्सेल शीट। सबसे पहले स्पेसिफाई ए कोऑर्डिनेट मेथड हम लोग सीखेंगे। इसके लिए कमांड में हम लोग पॉइंट या पीओ टाइप कर हम लोग इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद पॉइंट ऐसे स्पेसिफाई, यहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई ये पॉइंट दिखाई दे रहा है जो पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग पॉइंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है मैन्युअली रूप से टाइप करेंगे। यदि 2D में है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट टाइप करने से ही आपका 15 हो जाए। मान लिया जाए कि मेरे पास एक्स का कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1000 है, वाई का 1000 है और जेड का 100 है। ये तीनों टाइप करके इसका रिटर्न मार दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट शैलो ड्रा हो गया है जिसका वैल्यू 1000 हो गया। इसको पता करने के लिए कमांड में int टाइप करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पर जाकर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में एक्स वाई का वैल्यू देख रहे हैं। यदि पॉइंट्स को इसका स्टाइल, यदि पॉइंट का स्टाइल चेंज करना है तो व्यू में जाकर फॉर्मेट पे राइट जब क्लिक करना है। इसके बाद पॉइंट का स्टाइल को जाकर यहाँ पॉइंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पॉइंट का साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लिया कुछ 4 लिखेंगे या 3 लिखेंगे तो पॉइंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट वैल्यू मेथड एक और तरीके से हम लोग ड्रा करेंगे। इसको करने के लिए कमांड में मैन्युअल रूप से टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ड्रा टू जो कि होम में होम टाइम में ड्रा टू से यहाँ पर जाकर हम लोग मल्टीपल पॉइंट को लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग कमांड में देखेंगे पॉइंट स्पेसिफाई ए पॉइंट, ठीक आ गया। इसको हम लोग
टाइप करें इस बार पे खोले हम लोग नौ सौ देखते रहें पॉइंटर मार दे रहे हैं इसके बाद जे जस्टिस लेकिन उस दिनों से तो पानी का खतरा हो गया तो कोई ने पता करने के लिए सही से आगे टाइप करेंगे उसके बाद फिर तो लिफ्ट करेंगे आप देख रहे हैं इस दिन में कि मौसम उस कोविड का पॉइंट का आपके स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट खुला हुआ है इस एक्सेल शीट के कोड जो कोऑर्डिनेट है एक टोटल स्टेशन से मेजरमेंट करके बनाया गया है और टोटल स्टेशन का डाटा शीट है इसको ऑटो कैडमेंट रखकर पॉइंट करने के लिए इसको तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है तो हम स्ट्रिंग और रिंग और आर यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट है रिमार्क है सीरियल नंबर इसको ऑटो कैडमेंट बना करने के लिए सबसे फर्स्ट ये रो है उसका एक मिलाकर प्रिंट करना है उसके बाद कोई को रो आता इसको टाइप करना है उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करना है उसके बाद एक फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें सबसे पहले ड्रा करने के लिए स्ट्रिंग कोऑर्डिनेट को लेफ्ट क्लिक करना है उसके बाद कॉमन को टाइप करना है उसके बाद फिर नॉर्मल कोऑर्डिनेट को टाइप करना है उसके बाद फिर से कॉमन को टाइप करना है उसके बाद लास्ट में आर एल टाइप करना है उसके बाद ओपी करना है ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं जो आपस में इस कॉन्डिनेट को जुड़ गए हैं अब इसको नीचे की ओर लास्ट तक सिलेक्ट कर देना है ये टोटल कोऑर्डिनेट्स हैं फंक्शन में जुटे हैं और एक फार्मूले के द्वारा ये टोटल आपको ऑटो कैड में डिजाइन करने के लिए तैयार है इसको बनाने का सिंपल इसको कॉपी कर लेना है ड्रा टूल्स को लेफ्ट क्लिक करके मल्टीपल में जाकर पॉइंट स्प्राइट कमांड जाकर राइट क्लिक करना है उसके बाद पेस्ट लेफ्ट क्लिक कर देना है उसके बाद ये जस्टिस जस्टिस मारकर उसमें इंटर कर देना है आप देख रहे हैं कि टोटल जो आपका कोऑर्डिनेट ये ड्रा हो गए तो अभी तक हमारे चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे धन्यवाद मेरे अगले वीडियो में इसमें जो पॉइंट जो ड्रा हुआ है इसमें लेवल कैसे डिस्प्ले होगा कोऑर्डिनेट कैसे डिस्प्ले होगा सीरियल नंबर कैसे डिस्प्ले होगा इसके बारे में सीखें